हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, एनटीपीसी 2019 का कंप्लीट क्रैश कोर्स मैं करा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको 30 दिन में 90 वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इन 90 वीडियो में मैं आपको रीजनिंग, मैथ और जीके का पूरा कोर्स कम्प्लीट कराऊंगा। आप सभी वीडियोज़ के टाइमिंग नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ एकदम से आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज गणित की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, जो कि रेलवे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आप भी ट्राई कर सकते हैं और आप इन क्वेश्चन में से कितने सही कर पाते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे बोला जा रहा है पहले क्वेश्चन में, P और Q की गति का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे P और Q, उनका जो स्पीड का रेशियो है दोस्तों वो 2:3 है, ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। फिर यहां पे बोला जा रहा है कि Q 360 किलोमीटर की दूरी को तीन घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। कौन? Q। इसका मतलब Q की स्पीड कितनी होगी, क्योंकि अगर मैं स्पीड निकालूं क्यू स्पीड, तो मैं यहां पे 360 को दोस्तों 3 से भाग कर दूंगा तो कितनी आ जाएगी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी, क्यू की स्पीड आ गई। और आपको पता है क्यू की स्पीड का रेशो कितना है, 3 है। अगर क्यू की स्पीड का रेशो आपको पता है और क्यू की स्पीड भी पता है, तो आप यहां से पी की स्पीड निकाल सकते हैं। तो P की गति कितनी है ये आपको निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि 120 को आप 120 को 3 से भाग कर दीजिए, क्योंकि ये तीन रेशो के इक्वल वैल्यू है। और आपको क्या निकालना है, दो रेशो की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि P की जो स्पीड का रेशो है 2 है, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 3 × 12 यानी कि 40 बार चला जाएगा ये, और 40 की 2 में करेंगे दोस्तों, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। किसकी दूरी, यहाँ पे P की दूरी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, बहुत बार रेलवे में आ चुका है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ट्राई करिएगा, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि एक धावक 3 घंटे 45 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसे औसतन चाल किलोमीटर में कितनी वृद्धि करनी चाहिए 45 मिनट पहले इस दूरी को तय करने के लिए। यानी कि इस दूरी को कवर करने में एक धावक जो है 3 घंटे 45 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर ये 60 किलोमीटर की दूरी केवल 3 घंटे में तय करानी है, तो उसे कितनी चाल में अपनी वृद्धि करनी होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले मैं उसकी पहले वाली चाल निकाल लेता हूँ कि कितनी चाल है उसकी, ठीक है। तो चाल हम कैसे निकालेंगे भाई, हमें पता है डिस्टेंस ये है, टाइम ये है। अब टाइम क्या दे रखा है, घंटे और मिनट में दे रखा है। तो अगर मैं इन सभी को मिनट में बदल लूँ सबसे पहले, तो 3 घंटे में दोस्तों कितनी मिनट हो जाएगी, 180। तो 180 प्लस 45 ये, ठीक है, और ये कितनी टोटल मिनट हो गई आपकी, 225। अब 225 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 60 से भाग कर लेते हैं। जब भी आप मिनट को घंटे में बदलते हैं, मान लीजिए आपको कोई भी मिनट दे रखी है, 25 मिनट दे रखी है और घंटे में बदलना है, तो उसको 60 से भाग दे लीजिए। तो ये दे रखिए, जैसे 225 मिनट आ गए, इनको घंटे में बदलना है, तो 225 को आप 60 से भाग दे लेंगे, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 15/4 आ जाएगा, ठीक है। 15 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम जाएगा, और 15 × 60 यानी कि 15/4 आपका टाइम आ गया। जो ये 3 घंटे 45 मिनट लिखी है, ये 15/4 घंटे हो जाएगा, 15/4 घंटे, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों ये आपका 15/4 घंटे, मैं यहां पे लिख लेता हूं इसको, ये 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है 15/4 घंटे में। तो इसकी चाल कितनी है, तो दोस्तों 60 को आप 15/4 से भाग कर दीजिए। देखिए 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे 60 × 4/15 हो जाएगा, 15 × 60 यानी कि 4 × 16 यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। अभी देखिए 3 घंटे 45 मिनट की जब वो टाइम लेता है 60 किलोमीटर को कवर करने में, तो उसकी चाल कितनी होती है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला क्या जा रहा है, अगर वही चाल यानी कि वही डिस्टेंस इसको 3 घंटे में कवर करनी है, यानी कि 60 किलोमीटर इसको कितने घंटे में कवर करानी है, 3 घंटे में, तो इसको अपनी चाल कितनी बढ़ानी होगी दोस्तों। अभी कितनी चाल है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, 16 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है अभी, और अभी ये मेरे को कवर कराना है 60 किलोमीटर, कितना, 3 घंटे में,
तो उसकी चाल अभी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 से भाग कर देंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसकी चाल पहले कितनी थी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, अभी होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसे कितनी चाल बढ़ानी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपने पहले वाली चाल निकाली जिसमें आपको टाइम दे रखा था और डिस्टेंस दे रखी थी, दूसरे वाली चाल आपने निकाल ली जो कि बढ़ी हुई चाल है, जितने उसने वृद्धि करनी है क्योंकि 45 मिनट कम लगानी हमें, तो उसे 4 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल में वृद्धि करनी होगी। तो यही 60 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 3 घंटे में कवर कर लेगा। मैं आशा करता हूं कि ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसकी एक मैं आसान सी ट्रिक बताने वाला हूं इस क्वेश्चन में, तो आप ध्यान से देखिएगा। यहां पे बोला जा रहा है, जब मैं अपने फार्म हाउस पर अकेला जाता हूं तो मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बिना रुके अपने कार चलाता हूं, बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चलाता हूं जब मैं अकेला जाता हूं, ठीक है। लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ यात्रा करता हूं तो मैं ठहराव के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ही समान दूरी तय करता हूं। यानी कि जब मैं अपने परिवार के साथ में जाता हूं तो बीच बीच में रुक रुक के जाता हूं, तो जो चाल होती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी तय करता हूं। प्रत्येक घंटे में कितनी देर ठहराव है ये आपको बताना है, कितनी मिनट का ठहराव है सॉरी, ठीक है। प्रत्येक घंटे में कितनी देर ठहरता है ये आपको बताना है। देखिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। देखिए पहले वाला 80 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका ये फॉर्मूला। प्रति घंटे का जो रुकाव होता है वो निकालना है, तो चालों का अंतर यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, सॉरी, चालों का अंतर और अपॉन में यानी कि बटे में आपको लिख देना है बिना रुके चाल, ठीक है, बिना रुके चाल। अब इसको नोट कर लीजिए, बस इतना करना है। अगर आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक घंटे में कितनी देर का ठहराव है, तो इसमें 60 की गुणा और कर लेंगे दोस्तों। तो चालों का अंतर कितना है दोस्तों, आप यहाँ पे सीधा सीधा निकाल सकते हैं, 80 किलोमीटर पहले चलता था वो जब अकेला जाता था, और अपने परिवार के साथ में जाते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ चालों का अंतर हो जाएगा 20 अपोन में। नीचे बिना ठहराव के किसकी चाल से चलता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे लिखा है ना बिना ठहराव के, मैंने नीचे लिखा बिना रुके किस चाल से जाता है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें 60 की कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 20 आपसे 20 चौका 80 और 4 से आप 60 को डिवाइड करेंगे दोस्तों, 15 मिनट आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 15 मिनट जो रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि वो प्रत्येक घंटे में 15 मिनट का ठहराव यानी कि रुक कर वो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सीधा सा है, चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर लेना है, और जो बिना रुके चलता है वो उससे भाग कर देना है, और 60 की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपको प्रत्येक घंटे में कितने मिनट वो रुकता हुआ जाता है वो आपका आ जाएगा। और ये क्वेश्चन सीधा सीधा फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है रेलवे में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान सा है, आप सभी ट्राई करिए और मुझे लगता है सभी इसका आंसर दे देंगे, और ये NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है, एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय करती है, ठीक है, इसी दूरी को 5 घंटे में तय कराने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए ये आपको बताना है। यहाँ पे क्या बोला है कि एक कार जो है निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय कर लेती है। दोस्तों आप मुझे ये बताएं दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हम दूरी निकालते हैं दूरी का फॉर्मूला होता है आपका जो भी आपकी चाल दे रखी होगी चाल गुणा समय। मतलब इसमें फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं, आप खुद सोच सकते हैं भाई, आप अपने घर से मान लीजिए स्कूल जाते हैं और आपकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और आप 2 घंटे में पहुंच जाते हैं तो आप कितना किलोमीटर चले, दूरी निकल के आ जाएगी 10 किलोमीटर। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय करता है ये किसी निश्चित दूरी को, तो वो दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 50 यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा और समय 8 लेता है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 किलोमीटर आपकी दूरी आ जाएगी। और ये 400 किलोमीटर की जो दूरी आई है ये क्या बोला गया है, इसी दूरी को 5 घंटे में तय कराने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी। अब 400 को दोस्तों आप यहां पे कर लेते हैं, 400 को आप डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो कितना आ जाएगा इसका, यहां पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा।
और अभी चाल कितनी थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब यही दूरी को मुझे 5 घंटे में कवर कराना होगा तो चाल कितनी करनी पड़ेगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी, 50 से बढ़ा लीजिए कितना बढ़ेगा 30, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन भी फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, कई बार रेलवे में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई करिए, जो भी आंसर आता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पे बोला जा रहा है, कार एम की चाल कार डब्लू की चाल का दुगनी है। इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं दोस्तों एम और डब्लू उनकी चाल का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 2:1। और ये क्या है, चाल का रेशियो है तो समय का रेशो क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है, तो समय का रेशो 1:2 हो जाएगा। समय का, समझे, ऐसा क्यों होता है दोस्तों, अगर आपको चाल का रेशो, यहां पे बोला गया कि कार एम की चाल कार डब्लू की चाल का दुगनी है, यानी कि डब्लू की कार अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा चलती होगी तो एम की कार कितनी चलेगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेशो की बात मैं कर रहा हूं, रेशो हमने बना लिया। अगर चाल का रेशो 2:1 आया है तो समय का रेशो चाल के रेशो का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, यानी कि इनका रेशो आया है चाल का 2:1 तो समय का रेशो 1:2 हो गया, क्योंकि जो जल्दी चलेगा जो तेज चलेगा वो कम समय लेगा और जो कम स्पीड से चलेगा वो ज़्यादा समय लेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है दोस्तों, यदि कार एम 2 घंटे 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, आप मुझे ये बताइए कार एम का जो आपको टाइम मिल गया और टाइम का रेशो कितना है, कार एम का 1 है, तो यहाँ पे ये टाइम कितना है दोस्तों, ये टाइम मैं अगर घंटे में बदल लूँ तो कितना हो जाएगा, 2 घंटे 30 मिनट को मैं घंटे में बदलूँगा दोस्तों कितना हो जाएगा, मैं इसको ऐसे भी बदल सकता हूँ, 2 सही 30 बटे, देखिए मिनट को मैंने बताया था ना जब भी बदलेंगे घंटे में तो 60 से डिवाइड कर लेंगे, ये 2 बार हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 = 4 = 5, यानी कि 5/2, यानी कि आपका आ जाएगा 2.5। तो जो कार एम है वो 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसका रेशो कितना है दोस्तों, 1 है, तो डब्लू कार का रेशो टाइम का 2 है, तो डब्लू कार कितना समय लेगी, डब्लू कार टाइम लेगी 5 घंटे, इसका डबल कर लेंगे 2.5 का। भाई समझते रहिए, अगर कार यहाँ पे एम आपका 1:1 के इक्वल टाइम लेती है और इसका टाइम हमें पता चलेगा 2.5 घंटे है, तो यहाँ पे आप डब्ल्यू कार का भी टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि 1:1 की वैल्यू 2.5 है, तो 2:1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 2.5 घंटे का डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दोस्तों मिल गया कि डब्लू जो कार है वो 5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगी। तो कार दूरी तो यहाँ पे पूछा है, तो कार डब्लू की चाल कितनी है, तो 120 को आप 5 से भाग कर दीजिए ना, 120 को 5 से भाग करेंगे दोस्तों 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सही आंसर आ जाएगा। समझे आप इस चीज़ को, सबसे पहले रेशो निकाला, फिर रेशो से हमें यहाँ पे पता चला कि एम का हमें टाइम पता है कि एग्जैक्ट टाइम कितना लेता है 120 किलोमीटर की दूरी को तय करने में एम, फिर मैंने एम का टाइम निकाला, ये लेता है 2.5 घंटे, ठीक है, 2 सही 2 सही, ये मैंने यहाँ पे घंटे में बदल लिया था ना, 2 घंटे 30 मिनट को 2.5 घंटे आ गया, सीधा सीधा भी निकाल सकते थे। अब ये 2.5 घंटे को दोस्तों 120 किलोमीटर कवर करता है 2.5 घंटे में, तो यही दूरी को अगर मैं डब्लू से कवर कराऊँ, डब्लू से, तो डब्लू लेता है डबल समय, ये 1 लेता है, ये तो 2 लेता है, तो ये 2.5 लेता है, तो ये डबल लेगा, इसका मतलब 5 घंटे 120 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितने समय लेगा, कितने चाल से चलेगा, 120 को 5 से डिवाइड कर देंगे। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 को भी ट्राई करिए, इजी सा क्वेश्चन है और ये भी NTPC 2016 में पूछा गया था भाई। इसमें बोला जा रहा है कि कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। अगर ये एक निश्चित दूरी तय करती है और 6 घंटे में, और इसकी जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोस्तों ए के द्वारा कितनी दूरी तय की गई आप निकाल सकते हैं, ए के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 80 × 6, भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी, ये दूरी हो जाएगी ए के द्वारा की गई, तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 480 किलोमीटर आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कार बी उसी समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है, कार जो बी है वो उतने ही समय में, यानी कि 6 घंटे में ही कार ए से
60 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम कवर करती है। इसका मतलब अगर ए यहाँ पे 480 किलोमीटर कवर कर रहा है तो बी द्वारा कवर की गई कार की दूरी कितनी हो जाएगी, 480 में से 60 माइनस कर देंगे दोस्तों, 420 किलोमीटर। समझ गए आप इस चीज़ को, कार ए द्वारा कवर की गई दूरी 480, कार बी कवर की गई दूरी 420 किलोमीटर हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कार बी की गति क्या है, तो उतने ही समय में बोला गया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे उतना समय कितना है, 6 घंटे, क्योंकि यहाँ पे कार बी उसी समय में, जितने समय में ए करता है, ए करती है कार यहाँ पे 480 किलोमीटर की दूरी कवर, बी उसी समय में कार ए से 60 किलोमीटर की कम दूरी कवर करती है, यानी कि 60 किलोमीटर 420 किलोमीटर आ गया बी द्वारा कवर की गई दूरी, और उतना ही समय यानी कि 6 घंटे में दोस्तों। तो 420 को आप 6 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इजी भी था, और इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लगातार लाइक और कमेंट और शेयर करते हैं। ठीक है, इनके पैसे नहीं होते बट ये बहुत मोटिवेट करते हैं चीज़ें, जब आपका रेस्पॉन्स अच्छा आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन आपने खुद देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसको पहले पढ़ते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है। एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है, एक चोर जो है वो पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है। चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना एक साथ शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ मैं विजुलाइज कराता हूँ आपको किस तरीके से सिचुएशन बन रही होगी। मान लीजिए ये डिस्टेंस है 400 मीटर की, ठीक है। अब यहाँ पे चोर भाग रहा होगा, ठीक है, ये चोर जो है भाग रहा होगा, उसके पीछे पीछे पुलिस वाला आ रहा होगा, ठीक है, ये पुलिस वाला चल रहा है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 400 मीटर की है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे बोला गया है ना, तो जब चोर और पुलिस वाले ने भागना स्टार्ट किया है तो इनके बीच में जो दूरी का डिफरेंस है वो 400 मीटर का है। मान लिया जाए कि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, चोर क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है दोस्तों, ठीक है, और पुलिस वाले की जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये पुलिस वाला जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है। तो गणना करके मिनट में बताएं, मिनट में आपको बताना है कि पुलिस वाले ने पकड़ने में, जो पुलिस वाले के पकड़ने में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। यानी कि आपको बताना है कि जब पुलिस वाला पीछे पीछे भाग रहा होगा, चोर आगे आगे भाग रहा होगा, तो इसको पकड़ने में कितनी दूरी तय की पुलिस वाले ने, यह आपको बताना है दोस्तों। इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। आप मुझे ये बताइए कि जो जब पुलिस वाला चोर को पकड़ना स्टार्ट करेगा तो उनके बीच में दूरी कितनी है, 400 मीटर की है, ठीक है, 400 मीटर की है। इसका मतलब, और जो चोर कवर करेगा आगे की डिस्टेंस, नई डिस्टेंस को कवर करेगा, क्योंकि इनके बीच में 400 का तो डिफरेंस आ ही चुका है ना। अब 400 का अगर डिफरेंस आ चुका है दोस्तों इनके बीच में, यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे चोर है, और 400 का इनके बीच में डिस्टेंस है, तो चोर आगे भी तो भागेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि चोर जो आगे भागेगा वो एक्स डिस्टेंस को कवर करेगा, और पुलिस वाला कितना करेगा, पुलिस वाले को ये 400 तो कवर करनी करनी है, और चोर जितना भागेगा, जितना ये एक्स भागेगा उतना भी कवर करना है, तो पुलिस वाला कितनी डिस्टेंस कवर करेगा दोस्तों, 400 प्लस एक्स। समझते रहिएगा भाई, पुलिस वाला कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी पुलिस वाले को, ये 400 तो कवर करेगा क्योंकि ये तो इनके बीच का अंतर है, क्योंकि पकड़ा तो तभी जाएगा ना जब ये डिस्टेंस भी कवर हो जाएगा, और चोर जितना आगे भागेगा वो भी कवर करना पड़ेगा, तो पुलिस द्वारा की गई डिस्टेंस कवर कितनी हो जाएगी, 400 प्लस एक्स। समझ गए, और चोर कितने डिस्टेंस कवर करेगा, चोर केवल ये एक्स करेगा, क्योंकि चोर तो जितना भागेगा पीछे तो उसने डिस्टेंस बना रखी है ना 400 की, तो चोर जितना भागेगा सिर्फ उतना ही कवर करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। देखिए, चोर द्वारा कवर की गई डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, सॉरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा भागते हैं, इक्वल पुलिस वाला कितना भागेगा, 400 प्लस एक्स, और ये कितनी स्पीड से भाग रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों बस इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखता हूँ, एक्स डिवाइड बाई 10, 400 प्लस एक्स अपॉन में 15। अब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, देखिए 15 के एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 15x बराबर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, 400 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 4x और सॉरी यहाँ पे 10x होगा ना, ये 10 है भाई, तो ये 4 नहीं, यहाँ पे 10x हो जाएगा, ठीक है।
तो 10x में से 15x में से 10x माइनस होगा तो 5x बराबर कितना है 4000। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों यहाँ पे, x की वैल्यू आ जाएगी 800। यानी कि x की वैल्यू क्या है, ये डिस्टेंस है जो चोर द्वारा तय की गई है, ठीक है। 800 क्या है आपकी, चोर द्वारा तय की गई दूरी है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि पुलिस वाले को पकड़ने, पुलिस वाले के पकड़ने में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की, तो 800 हो जाएगी दोस्तों ये सही आंसर। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी समझने में प्रॉब्लम रही है तो इस पीडीएफ को आप दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। टेलीग्राम पे जाके टॉपिक स्टडी सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाती है। और उसमें मैंने अच्छे से ये समझा रखा है आपको कि आप बाद में भी इस क्वेश्चन को समझ सके, ठीक है भाई। चोर भाग रहा है, पुलिस वाला भाग रहा है, चोर को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, जितनी आगे भागेगा मैंने मान लिया एक्स, पुलिस वाले को 400 कवर करनी है और साथ ही सारी एक्स भी कवर करनी है। तो चोर की चाल को तो हम, जो चोर डिस्टेंस को कवर करेगा एक्स को, चोर की चाल से भाग कर देंगे, और जो पुलिस वाले को कवर करनी है 400 प्लस एक्स, इसको 15 से भाग कर देंगे, और बस इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो 15x, और यहाँ पे करेंगे 4000 प्लस 10x, 5x बराबर 4000, एक्स की वैल्यू 800 आ गई, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट ट्राई करिए इस क्वेश्चन को भी। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ही बोलता हूं कि वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लिया करें, क्योंकि वीडियो के एंड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एएलपी का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया, फिर ग्रुप डी का एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया, आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ अभी उसमें भी पूछा गया, और एनटीपीसी 2016 में भी पूछा गया। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, और उसकी बहुत आसान सी ट्रिक मैं बताने वाला हूं। इसमें बोला गया है यदि राहुल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह दफ्तर 10 मिनट लेट पहुंचता है। जब राहुल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह दफ्तर 10 मिनट लेट पहुंचता है, और यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह यही समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात करिए। देखिए राहुल का जो है ना, दो चाल हो गई, पहले वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता था तो 10 मिनट लेट पहुंचता था, जब उसने अपनी चाल बढ़ाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा की तो वो 5 मिनट पहले पहुंचना स्टार्ट हो गया। उसके घर से कार्यालय की जो दूरी है वो आपको बतानी है। तो इसकी एक ट्रिक होती है दोस्तों, ट्रिक मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रिक को। ट्रिक है जब भी दूरी आपको निकालनी है तो चेंज इन टाइम मल्टीप्लाई एस वन मल्टीप्लाई एस टू अपॉन में एस वन माइनस एस टू। ध्यान से सुनिए, चेंज इन टाइम में ही आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है कि चेंज इन टाइम क्या है, बाकी एस वन एस टू स्पीड वन और स्पीड टू की मल्टीप्लाई करनी है सबसे पहले, फिर दोनों स्पीड का डिफरेंस लेना है, उससे भाग कर देना है। और यहाँ पे जो चेंज इन टाइम है वो मैं आपको बता देता हूँ। चेंज इन टाइम का मतलब होता है कि जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वो 10 मिनट देरी लेट पहुँचता है, और जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। दोस्तों जब भी लेट पहुंचता है और पहले पहुंच जाता है दोनों को प्लस कर देंगे, यही चेंज इन टाइम होगा। ध्यान से सुनिए, जब भी वो लेट पहुंचता है और पहले पहुंच जाता है दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि एक साइड में लेट होगा एक साइड में पहले होगा, दोनों को प्लस करेंगे चेंज इन टाइम आ जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा, अब इस फॉर्मूले में पुट कर लेता हूं, यहां पे हो जाएगा दोस्तों 15, ठीक है, चेंज इन टाइम, क्योंकि 15 मिनट हो गई 10 और अब ये हो गया 5, दोस्तों 15 मिनट है तो इसको 60 से भाग कर लीजिए, क्योंकि मिनट कहीं पे नहीं आती है, मिनट हमेशा घंटे में बदल ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, फिर स्पीड वन कितनी है दोस्तों, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और 4 और 5 का डिफरेंस हम लेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 1 आएगा, तो नीचे 1 रख लेंगे। 15 चौका 60 यानी कि आपका 15/1 हो गया, सॉरी 1/4 हो गया। अब यहाँ से 4 से ये 4 भी कट जाएगा दोस्तों, बचेगा कितना, ये 5/1, तो 1 से डिवाइड करेंगे 5 ही रहेगा, तो इसके घर से जो कार्यालय की दूरी है वो 5 किलोमीटर है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझा आप इस चीज़ को, इस ट्रिक को याद रखिएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, चेंज इन टाइम होता है, जितने लेट वो पहुंचता है फिर जितने पहले वो पहुंच जाता है दोनों को प्लस करते हैं, और पहले वाली चाल को और दूसरे वाली चाल की गुणा ऊपर करते हैं और दोनों का डिफरेंस नीचे लेते हैं। जब भी मिनट आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में तो उसको घंटे में बदलेंगे, जैसे 15 मिनट थी तो उसको हमने घंटे में बदलेंगे, कितना कर लिया 60 कर लिया, ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत बार रिपीट होता है। अब फिर से मैं बताऊँ आपको कि ये सारे एग्जाम में पूछा गया तो आप बोलेंगे कि बार बार हर एक एग्जाम का नाम लेके बताते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों, पी 70 घंटे की यात्रा करता है,
वह अपनी यात्रा का आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बाकी आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करिए, यानी कि उसने कितनी दूरी तय की है, कुल दूरी आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी भी पूछी जा सकती है, एक आपसे पूछा जा सकता है एवरेज स्पीड, दोनों ही बताऊंगा क्योंकि फॉर्मूला सेम है दोनों का, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग चालों से कवर किया जाता है, मान लीजिए ये सेम डिस्टेंस है, यहाँ पे बोला जा रहा है पी ने 70 घंटे की यात्रा में मैं अपनी यात्रा का आधा भाग, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा आधा भाग, यानी कि मैं इसको दो भाग में डिवाइड कर सकता हूँ, ये मान लीजिए उसकी पूरी कवर की गई डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है। इसमें आधा भाग तो उसने यहाँ पे कितने में 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं लिख लेता हूँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर किया है, और आधी यात्रा उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर की है। आपको पता चल गया उसने पूरी डिस्टेंस जो है, पूरी डिस्टेंस का आधा भाग तो उसने 30 किलोमीटर और आधा 40, यानी कि उसने सेम दूरी को दो अलग अलग चालों से कवर किया है। मैं बोल सकता हूँ कि सेम दूरी को, ये वाली डिस्टेंस सेम है, और इन दो डिस्टेंस को उसने अलग अलग चालों से कवर किया है। दोस्तों जब भी इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया हो कि सेम दूरी को दो अलग अलग चालों से कवर किया जाता है, तो इसमें एक बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है कि एवरेज चाल बताइए, ठीक है। एवरेज चाल आपसे पूछ ली जाती है, तो एवरेज चाल का मैं एक आपको छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ। एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इससे आप क्या करेंगे, इस 2xy से देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ये आपका क्या है, एवरेज चाल का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इससे हम क्या निकालेंगे कि पूरी डिस्टेंस में जितनी उसने कवर की है उसमें उसकी औसत चाल क्या रही है, ठीक है। गलती मत कर दीजिएगा, 30 और 40 को प्लस करके 2 से डिवाइड करके औसत चाल नहीं निकल के आएगी, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं ऐसे भी। इसकी जब भी सेम दूरी को दो अलग अलग चालों से कवर किया जाता है दोस्तों, उसको एवरेज इस तरीके से ही निकालेंगे, कोई और मेथड है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 × 30 × 40 अपॉन में 30 + 40, इस तरीके से मैं कर लूँगा, तो उसकी औसत चाल मेरे पास आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, यानी कि 600, 600 और ये 40 है, 40 में करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 2400 और नीचे 30 और 40 कितना हो जाएगा, 70, यानी कि जो उसकी औसत चाल आ जाएगी कितनी आ जाएगी, वो 240/7 आ जाएगी, 240/7 ये उसकी चाल है। इसको पूरा डिवाइड मत करके लिखिएगा, 240/7 ही लिखिए, 240/7 उसकी औसत चाल आ गई। क्वेश्चन यहाँ तक भी पूछा जा सकता था, बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करिए, यानी कि उसने जो डिस्टेंस कवर की थी वो डिस्टेंस कितनी थी। दोस्तों उसने पी ने 70 घंटे में डिस्टेंस कवर की है और उसकी चाल ये है, तो जब आपको टाइम पता चल गया, चाल पता चल गई, औसत चाल उसकी, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे 240/7 में दोस्तों 70 घंटे की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ से, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, और ये आपका दोबारा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2400 किलोमीटर की आपकी दूरी आ जाएगी। 2400 किलोमीटर की दूरी उसने कवर की है, यही आपका क्वेश्चन आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए उसकी चाल कितनी आई थी, 240/7, और 240/7 को उसने 70 घंटे में कवर किया है, मतलब 70 घंटे में वो दूरी कवर की है, तो जब आपको चाल पता चलेगी और टाइम पता चलेगा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस कितनी है, 2400 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस ट्रिक को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब दो सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग चालों से कवर किया जाता है तो आपसे एवरेज स्पीड भी बहुत बार पूछी जाती है, तो एवरेज स्पीड में आपको ये सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँ जिसका आंसर सभी स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, तो वो क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्वेश्चन नंबर 10। इसको सभी ट्राई करिए, जो भी आपका आंसर आता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिसका भी सही आंसर होगा मैं लाइक कर दूंगा, अपना नाम भी लिखेगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया करें।